तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज की वीडियो का टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। सो भाई आज हमारे पास दो टीम्स, एक टीम में होने वाले दुनिया के सारे अग्रेसिव प्लेयर्स एंड भाई एक टीम में होने वाले दुनिया के सारे कूल प्लेयर्स। सो हमने सोचा क्यों ना भाई इन दोनों टीम्स के बीच में एक मैच कर दिया जाए। सो भाई आज हम खेलने जा रहे हैं अग्रेसिव 11 वर्सेस कूल 11 एंड भाई मैच हम करेंगे T10 फॉर्मेट में। एंड भाई एक और बात भाई, वी आर रियली क्लोज टू 36K सब्सक्राइबर्स। सो भाई आप भी करो लाइक शेयर सब्सक्राइब और पहुंच जाओ ग्राउंड में, क्योंकि भाई मैच में बहुत मजा आने वाला है। तो भाई हम आ चुके ग्राउंड में, इट्स MS धोनी वर्सेस विराट कोहली एंड भाई हम उस टीम से खेलने जा रहे हैं जहां पे टॉस हारने वाली है। एंड भाई यहां पे कूलेस्ट 11 वॉन द टॉस, मतलब हम खेलने जा रहे हैं भाई अग्रेसिव 11 की तरफ से, मतलब विराट कोहली की टीम की तरफ से। एंड भाई हमारी है पहले बैटिंग, सो भाई आने वाला है मजा। सो भाई चलते ग्राउंड में करते हैं बैटिंग की शुरुआत। तो भाई ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर के साथ रिकी पॉन्टिंग एंड बॉलिंग की शुरुआत कर रहे हैं हमारे भूबी जी। पहली बॉल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड खेला और सिंगल निकालेंगे, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला भाई। अग्रेसिव में भाई विराट कोहली गौतम गंभीर एक ही टीम में, भाई मेरे को नहीं पता भाई क्यों टीम इंडिया के सिलेक्टर से हमें भूवी को इस टाइम पे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। भाई ये बहुत बढ़िया बॉलर है और यहाँ पे बहुत बढ़िया ड्राइव निकाली है सिंगल के लिए। भाई अभी तक तो ये बहुत बढ़िया ओवर गया, 5 बॉल में 4 रन है और यहाँ पे अटैक करने की सोची है गौतम गंभीर ने और यहाँ पे निकाला है चौका पहला इस मैच का। पहले ओवर में आया भाई 8 रन। तो भाई दूसरा ओवर डालने जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह यहाँ पे। चलो भाई बुमराह ने 2 बॉल डाली, दोनों डॉट बॉल गई है और यहाँ पे बढ़िया ड्राइव मारी सिंगल के लिए। भाई अभी तक इस ओवर में 4 बॉल में 1 रन और यहाँ पे बुमराह भाई अलग 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 लेवल की बॉलिंग कर रहा है। भाई बुमराह ने क्या ही ओवर डाला है, 5 बॉल में 1 रन ही दिया है। भाई क्या अलग लेवल का शॉट मारा है यहाँ पे, फिर भी भाई इस चौके के साथ 5 रन ही आया इस ओवर में। और भाई मुरलीधरन बॉलिंग करने आ चुका है, भाई ये भी बहुत ही कूल प्लेयर था। तो भाई इस मुरलीधरन अगेंस्ट गौतम गंभीर, मजा आने वाला है यहाँ पे, आने वाला था मजा जब तक ये विकेट नहीं गिरी थी। और यहाँ पे अच्छा कैच किया भाई धोनी भाई ने मारे। तो भाई अग्रेशन का मास्टर आ चुके यहाँ पे विराट द किंग कोहली। भाई वैसे अभी तक इस ओवर में भी 4 बॉल में 3 रन आया और 1 विकेट है और यहाँ पे बढ़िया बैक को बैक बैक का कट मार दिया और यहाँ पे जाएगा चौका, बढ़िया शॉट कोहली के बल्ले से है। फिर बॉलिंग करने आ चुके पैट कमिंग्स, ऑस्ट्रेलिया कप्तान है और भाई ये बहुत ही कूल प्लेयर लगता है मेरे को। तो भाई इट्स पैट कमिंग्स वर्सेस विराट द किंग कोहली और पैट कमिंग्स बहुत ही अच्छा बॉलर है और विराट कोहली की ड्राइविंग तो बहुत ही बढ़िया है, बट सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग बहुत ही स्लो खेल रहा है, 4 रन दिए हैं और 7 बॉले खेली है और यहाँ पे अटैक करने की बारी है, बहुत बढ़िया शॉट मारे, गुड टाइमिंग थी भाई। ए रिकी पॉन्टिंग क्या किया, हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर व्हाट हैपेंड। तो भाई शाकिब अल हसन आया बैटिंग करने के लिए, बहुत गुस्सा बंदे में भाई। भाई यहाँ पे कूल 11 ने क्या ही शुरुआत की है और यहाँ पे भाई पुल मारने गए मेरे विराट कोहली और निकला एच और क्या 6 रन। तो भाई आज हमें देखना पड़ेगा क्या विराट कोहली एक बार फिर से अपनी टीम को जिताएगा, क्योंकि भाई विराट कोहली ही ऐसी सिचुएशन में बहुत फेलता है और अगर ऐसी ड्राइव मारोगे तो भाई बहुत मजा आने वाला हमें। सो भाई शाकिब अल हसन लेफ्टी है और यहाँ पे राइटी लेफ्टी का मजा आने वाला है और मुरलीधरन जी हमें बॉलिंग कर रहे हैं और शाकिब अल हसन बोलता भाई क्यों ना पहली बॉल पे आइडियल टाइमिंग करके छक्का मार दूं। आइडियल टाइमिंग की थी शाकिब अल हसन ने, फिर भी आउट हो गया यार, मेरी गलती क्या है। और बैटिंग करने आ चुका भाई एडम गिलक्रिस्ट। भाई लोग बहुत कमेंट करते हैं कि इजी पे खेल रहे हो, इजी पे खेल रहे हो, भाई ये चल रही है आपकी इजी डिफिकल्टी, क्या आइडियल पे छक्के जा रहे हैं और आउट हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे चौका गया, मतलब आइडियल पे आउट हो गया भाई शाकिब अल हसन बाउंड्री पे। अग्रेसिव की 3 विकेट जा चुकी हैं, भाई यहाँ से हमें बहुत ही खेलना पड़ेगा और भाई विराट कोहली से बढ़िया प्लेयर यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। 1 बाउंस चौका गया यहाँ पे, भाई पिछली 3 बॉल पे 3 बाउंड्रीज आई है, मेरे को ये नहीं पता, मैंने जस्ट अभी देखा है यहाँ पे इस बॉल पे एक और बाउंड्री निकाल देंगे विराट कोहली, निकाल देंगे यार, अगर इतनी शॉर्ट बॉल डालोगे तो कट मारेंगे ना हम। भाई विराट कोहली द किंग कोहली 1 मैन आउट भी एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पिटाई कर रहे हैं भाई, हमें 5 बॉल खेली और 5 बॉल पे 5 चौके निकाले विराट किंग कोहली ने। भाई 5.2 ओवर्स हो चुके, 58 पे हैं, 3 आउट ओवर, विराट कोहली अकेला 42 पे खेल रहे हैं, देख रहे मुन्ना, ओ वो बॉल है यार पैटी, गुड वन। तो भाई बॉलिंग करने आया सुनील नारायण एक और स्पिनर और ये बहुत ही अच्छा स्पिनर है, बट सामने पता कौन है, विराट कोहली जो कि स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं, एक और कट एक और चौका। भाई बोले हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं तो भाई हमें यहाँ से अटैक ही करना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़िया शॉट मारा है बट भाई पता नहीं कहां से प्लेयर नीचे आ गया, एक और कैच कर लिया यार। भाई बैटिंग करने आ चुका है भाई मेरा फेवरेट हिटर कैरन पोलार्ड। भाई नारायण को पहली बॉल चौका पड़ा, उसके बाद सारी की सारी बढ़िया बॉल डाली है, आखिरी बॉल एक और चौका, वो भी भाई फिर से विराट कोहली के बल्ले से आया है, मतलब विराट कोहली ने भाई ठेका ले लिया सारे स्कोर करने का और हमें 50 रन हो गए भाई 23 बॉलों पे। तो भाई भुवनेश्वर कुमार अपना स्पेल खत्म करने जा रहे हैं और यहाँ पे बड़े 3 ओवर, तो भाई 3 ओवर में कम से कम नहीं तो 30 रन चाहिए और भाई पोलार्ड बोलता क्यों ना मैं ट्राई करूं 30 रन मारने का एक ही ओवर में, औकात में रहो भाई। भूवी हमें बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं भाई, विराट भैया अब तुम्हारी बारी है भाई, पेल दो ये शॉट मार के भाई, चाहे वो कवर ड्राइव हो चाहे वो बैक फुट कवर ड्राइव हो, लाइक बैक फुट पंच ऑन द वे टू कवर ड्राइव हो,
चौका जाएगा भाई। हमें यहाँ से कम 30 रन चाहिए अगर हमें ये मैच का बारे में सोचना भी है। और नारायण बोलता भाई 30 क्या 20 नहीं बनने दूंगा यहाँ पे मैं। तो भाई बैटिंग करने आ चुके एंड्रू फ्लिंटॉफ। भाई तेरा हेलमेट कहाँ पर है? तो भाई फ्लिंटॉफ वर्सेस नारायण, पहली बॉल सिंगल निकालूंगा और विराट को स्ट्राइक पे लेकर आऊंगा। नहीं यहाँ पे बढ़िया शॉट है, दो मिल जाएंगे यहाँ पे तो यार। अरे चौका मिल गया भाई। एक बार फिर से विराट कोहली अकेला प्लेयर खेल रहा है और यहाँ पे शॉट मारा है, क्लासिकल शॉट मारा और अपना ट्रेडमार्क शॉट मारा चौके के लिए। भाई आखिरी ओवर डालने आया भाई स्वयं जसप्रीत बुमराह जी। भाई फ्लिंटॉफ ने अभी भी हेलमेट डाला नहीं और बुमराह में बाउंसर ट्राई करने वाले हैं। बाउंसर ने फुल बॉल थी यहाँ पे और फ्लिंटॉफ के बल्ले के नीचे आई और 6 निकाल दिया यहाँ पे। भाई बुमराह ने अपना पहला ओवर बहुत बढ़िया डाला था, यहाँ पे पहली बॉल पे छक्का आया है और यहाँ पे एक और बढ़िया शॉट मारा बट यहाँ पे कैच हो गया और यहाँ पे कमबैक किया भाई बुमराह ने। भाई आखिरी ओवर की 3 ओवर बोले हो चुके हैं, विराट की स्ट्राइक नहीं है यहाँ पे। बढ़िया चौका किया है भाई, यहाँ पे किस्मत भी है मार्चा थोड़ी सी। भाई विराट कोहली दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे सिंगल निकालू या शॉट मारू मेरे को नहीं पता बट यहाँ पे सिंगल ही निकाला मैंने। तो भाई आखिरी बॉल खेलने जा रहे विराट कोहली, सामने बुमराह और क्या फील्डिंग लगाई है बाउंसर के लिए, फुल टॉस बॉल डाल दी है यहाँ पे विराट कोहली ने। भाई क्या फिनिश किया, 6 रन मार के और भाई हमने टारगेट दे दिया यहाँ पे 108 रन का। लेट्स सी कैन बी डिफेंड 108 रन अगेंस्ट द कूलेस्ट 11 और नॉट। सो भाई वहां पे चेंज करने आए सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन वहां से एंड भाई हमारे लिए बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं मिचेल जॉनसन। सो भाई पहली बॉल डालने जा रहे हैं मिचेल जॉनसन, सामने भाई हमारे तेंदुलकर जी, एक स्लिप लगी हुई है और यहाँ पे पहली बॉल पे एच निकला और भाई साहब व्हाट शुरुआत भाई, तेंदुलकर भैया पहली बॉल पे आउट हो गए हैं। सो भाई जैसी शुरुआत हमें चाहिए थी वैसी मिल चुकी है और भाई क्या ही कैच किया भाई एडम गिलक्रिस्ट ने यहाँ पे। सचिन बाजी 0 पे आउट हो गए हैं गुस्से में जाते हुए वापस और भाई बैटिंग करने आ चुके हैं भाई केन विलियमसन। सो भाई जैसी शुरुआत हमें चाहिए थी वैसी मिल चुकी है, मिचेल जॉनसन ऑन फायर। लेट्स सी यहाँ पे एक और एज निकलवाया, एक और चौका गया भाई विलियमसन बोलता है टैग करूंगा। सो भाई इट्स मिचेल जॉनसन अगेंस्ट शिखर धवन। भाई शुरुआत हमें बढ़िया मिली, 3 बॉले 5 रन और 1 विकेट है और यहाँ पे शिखर धवन ने कट मारा है चौका निकाला है। भाई पहली बॉल पे विकेट आई थी उसके बाद भी 10 रन आ चुके इस ओवर में, आखिरी बॉल इस ओवर की और यहाँ पे एक और चौका विलियमसन के बल्ले से पहले ओवर में आए भाई 14 रन और 1 विकेट सचिन तेंदुलकर की। और भाई दूसरा ओवर डालने जा रहे हैं हमारे यहाँ भाई शोएब अख्तर। भाई बहुत गुस्सा था भाई इस बंदे में, भाई यहाँ से अगर एक और विकेट मिल गई तो मजा आ जाएगा वरना यार ये पिचेस कर जाएंगे। और गब्बर तो भाई अलग फॉर्म में ही है, पहली बॉल बाउंसर दूसरी पे फुल बॉल पे छक्का पेल दिया। भाई यहाँ पे कूल 11 ने क्या ही बढ़िया शुरुआत दी है यहाँ पे और यहाँ पे शिखर धवन की हमें विकेट चाहिए होगी और यहाँ पे मिल सकती है। कोहली क्या पे थ्रो है और यहाँ पे कोहली ने थ्रो मार दिया है। लेट्स सी यहाँ पे थर्ड एम्पायर पे गई है भाई बात, क्लोज ये आउट हो गया भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे क्या ही थ्रो मारा हमारे विराट द किंग कोहली ने और शिखर धवन की विकेट है भाई यहाँ पे। और भाई राहुल द्रविड़ जी हमें बैटिंग करने आए हैं और भाई तीसरा ओवर डालने जा रहे हैं श्रीशांत और भाई इस बंदे का अग्रेशन बहुत ही अलग था उस टाइम पे। तो भाई 2 ओवर के बाद 22 रन और 2 विकेटें भी हैं यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे श्रीशांत भैया क्या करेंगे। कैच इट ड्रॉप हुआ है बट यहाँ पे कैच कर लिया है गिलक्रिस्ट और राहुल द्रविड़ की विकेट निकाली भाई पहली बॉल पे। और भाई बैटिंग करने आ चुका है भाई ए बी डिविलियर्स मिशन 360। भाई यहाँ पे सबसे बड़ी विकेट होने वाली है ए बी डिविलियर्स की, अगर इसकी विकेट आ गई भाई जिंदगी सफल है और यहाँ पे बढ़िया पोल है सिंगल मिलेगा। भाई आखिरी बॉल है इस ओवर की, 9 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाली है। लेट्स सी आखिरी बॉल पे क्या बनता है और यहाँ पे अच्छा खेल दिया विलियमसन इज ए रियली गुड प्लेयर और चौका निकाल दिया है। तो भाई बॉलिंग के लिए लेकर आया हूं यहां पे एंड्रू फ्लिंटॉफ को। भाई इस बंदे का गुस्सा बहुत अलग था भाई, मेरे को इंट्यूशन है कि यहां पे फ्लिंटॉफ एक आधी विकेट निकाल देगा। लेट्स सी यहां पे फ्लिंटॉफ ने बट चौका खा लिया भाई डिविलियर्स से सामने, वो तो भाई चौका निकाल देते कहीं ना कहीं से। भाई फ्लिंटॉफ भाई एक विकेट निकाल दो यहां पे डिविलियर्स की तो मजा आ जाएगा, कम ऑन। और डिविलियर्स ने भाई हवाई यात्रा के लिए बॉल भेजी है बट यहाँ पे प्लेयर था और बॉल देखता रहेगा चौका छक्के के लिए। भाई अभी तक तो एक्सपेंसिव ओवर गया, 5 बॉल में 12 रन दिए और आखिरी बॉल और यहाँ पे सिंगल मिलेगा, 13 रन आया भाई इस ओवर में। तो भाई शाकिबल हसन इज हियर टू बॉल। भाई ए बी डिविलियर्स बहुत ही बढ़िया टाइमिंग कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा कट मार दिया एक और चौका भाई, डिविलियर्स की विकेट चाहिए होगी वरना मैच गया भाई हमारे हाथ से। तो भाई अभी तक इस ओवर में है 7 रन, अगर यहाँ से एक विकेट मिल जाती तो मजा आ जाएगा, कम ऑन यार। भाई कैच नहीं हुआ ना, कैच नहीं हुआ भाई। देखो एक ही टीम में हरभजन है, उसी टीम में भाई श्रीशांत है, उसी टीम में शोएब अख्तर है, और क्या चाहिए भाई आपको। भाई मेरे को क्यों लग रहा है यहाँ पे हरभजन पाजी एक आधी विकेट निकाल देंगे। लेट्स सी एक विकेट आ गई, 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 विलियमसन की विकेट है और नीचे पता कौन है, विराट द किंग कोहली है जो कैच करने जा रहे हैं यहाँ पे, विलियमसन की विकेट है।
हरभजन पाजी ने विकेट निकाली है और मैं बैटिंग करने आ चुके हम सबके फेवरेट MS धोनी। तो भाई यहाँ पे आने वाला मजा हरभजन सिंह बॉलिंग में, बैटिंग में बी डिविलियर्स। ए कैच कर ले भाई हरभजन, हैट्रिक पे हो जाएगा। अरे बेटे मौज हो गई यहाँ पे भाई, यहाँ पे ए बी डिविलियर्स की किस्मत खराब थी और गिलक्रिस्ट की बहुत बढ़िया कैचिंग थी यहाँ पे और बड़ी विकेट गई है यहाँ पे। और भाई बैटिंग करने आए यहाँ पे सुनील नारायण, हल्का फुल्का बैट घुमा लेते लड़का भाई। हरभजन सिंह और हैट्रिक, सामने नारायण स्लिप लगी हुई है, लेट्स सी कैन वी टेक हैट्रिक। भाई हैट्रिक बॉल पे कौन छक्का मारता है भाई, हेलो समझाओ को इसको जाके। भाई पांच बोले हुई हैं इस ओवर में, 7 रन आया और 2 विकेट, एक और विकेट आ गई तो मजा आ जाएगा भाई। नारायण बैटिंग कर सकता है, मैंने बोला हल्की फुल्की, भाई पूरी बैटिंग करता है लड़का। कम ऑन भाई, शाकिब अल हसन विकेट टेकर है, मेरे को लग रहा भाई ये बंदा विकेट ले जाएगा, बट धोनी भैया बोलते ए तू चल रे। भाई मैंने पहली बार MS धोनी को स्टेप आउट करते देखा यार, वो भी छक्का गया है, देख रहे मुन्ना। धोनी भैया बोलते पिछली बार स्टेप आउट, इस बारी स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन ओवर द कवर्स। भाई ये ओवर तो हो गया है एक्सपेंसिव और धोनी भैया ने अपना काम कर दिया है इस ओवर में और आखिरी बॉल पे निकाल दिया सिंगल। सो भाई 7th ओवर डालने जा रहे हैं, मिचेल जॉनसन सामने हमारे धोनी भैया, लेट्स सी यहां पे क्या विकेट मिल सकती है। सिंगल निकलेगा पहली बॉल पे, वैसे अभी तक तो भाई मिचेल जॉनसन ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 बॉल डाली और 3 सिंगल ही दिए, एक विकेट मिल गई तो मजा आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा बाउंसर सिंगल के लिए। भाई यहाँ पे मिचेल जॉनसन ने आला बॉलिंग कर दिया, 5 बॉल में 5 रन, आखिरी बॉल, लेट्स सी यहाँ पे क्या बनने वाला है। और यहाँ पे एक और सिंगल, 6 बोले 6 सिंगल निकाले, बढ़िया ओवर था हमारे लिए। तो भाई शोएब दफ्तर डालने जा रहे हैं, 9th ओवर 19 रन चाहिए 2 ओवरों में, सामने नारायण कैच कर लिया रे। भाई देखो नारायण की विकेट आ चुकी है और यहाँ पे MS धोनी है जो यहाँ से मैच जिता सकते हैं, लेट्स सी यहाँ पे धोनी भैया क्या करेंगे। धोनी भैया गोस ओवर द ग्राउंड यार, 13 रन रह चुके हैं, 10 बोले पड़ी हैं, अगर यहाँ से अभी भी धोनी भैया की विकेट आ गई तो भाई मैच जीत सकते हैं क्या अभी भी हम यहाँ पे। भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली विकेट आ गई भाई हमारी यहाँ पे और भाई धोनी भैया की आतशी पारी खत्म हुई है 25 रनों की 10 बोलों पे, 13 रन चाहिए, 9 बोले पड़े। बुमराह भैया बैटिंग करने आए हैं, बुमराह भैया ने क्या छक्का नहीं मारा, एक और रनिंग कैच किया भाई, शाकिब अल हसन का दूसरा कैच है, 3 आई है विकेट और 2 आई है छक्के इस ओवर में, आखिरी बॉल और यहाँ पे एक और विकेट है भाई, भूवी कुमार की 4 विकेटे 2 छक्के एक ही ओवर में है भाई। भाई रन चाहिए 7 बोले हैं 6 और भाई उनके पास विकेट भी एक है, बट मेन बात है पैट कमिंग्स बैटिंग कर सकते हैं, सुशांत भैया विकेट निकलवा देंगे क्या, निकलवा दी, अलग लेवल मैच कर दिया भाई यहाँ पे, क्या कैच किया बंदे ने, इसका रिप्ले देखना बनता है भाई, ये देखना व्हाट अ कैच, वन हैंडेड कैच किया है भाई, वन हैंडेड कैच किया, ये कौन है पजी, अरे भाई साहब अग्रेसिव 11 वन बाय 6 रन्स भाई, प्लेयर द मैच बने हमारे यहाँ पे विराट द किंग कोहली और भाई यहाँ पे अग्रेसिव 11 वन बाय 6 विकेट। भाई आप बताओ भाई आपको ये हमारा मैच कैसा लगा, अगर आपको ये मैच अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, बहुत ही जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।